राम राम भाई सारे भाण भाइयों ने। मैं सुनता हरियाणा पत्रकार पासाराम दत्तरवाल और मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा हिसार जिला में पहुँच रही है। यह उकलाना हल्का में ऊँ तो आज भी कर ली एंट्री इसने, लेकिन उकलाना की बात करें तो कल पहुँचेगी जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री की। और इसने लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है और इस तैयारी के बारे में हम बातचीत करेंगे जो उकलाना था टिकट के प्रबल दावेदार माने जावे ईश्वर सिंह मार, ये हमारे साथ गैल खड़े हैं, इनसे बातचीत करें किस तरह की तैयारी है। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो न्यू बताओ जी, मुख्यमंत्री जी किस टाइम पहुंचेंगे और कड़े पहुंचेंगे? पहला कल लगभग 2 बजे सूर्यवाड़ा चौक पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। अच्छा, फिर तैयारी तुरी किसी के करके है? तैयारी बहुत बढ़िया है, लोगों में बहुत ही वो है, मतलब स्वागत करने के लिए बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है। अच्छा, आप स्वागत की बात करें ना, मुख्यमंत्री स्वागत करना तरह उकलाना उकलाना का जो एरिया के बाहर आवेंगे पूरा हल्का के लोग आवेंगे? पूरा हल्का के लोग आएंगे, जो पूरा एरिया है उकलाना मंडी का, उकलाना हल्का का, उस पूरे हल्के के लोग स्वागत के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। अच्छा, जो इब तक हरियाणा में धन्यवाद कड़िया नहीं हुआ वो आप सूर्यवाड़ा चौक पर हुआ? बिल्कुल सही। अच्छा, एक काम बताओ जी, हमने सारे जो प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी बोल रहा हूँ, दावेदार बोल रहा हूँ, उनसे बातचीत कर ली, 8-9 पॉइंट उकलाना हल्का बनाए हैं, कड़ियान कड़ियान उनका भीड़ इकट्ठी करने तरह पसीना आ रहा है, जो सेमीफाइनल मान्या गया जो मुख्यमंत्री आने लग रहे हैं, और आपका चेहरा दग दग करने लग रहा है, न्यू समर्थक आपका अलग चेहरा दिखने लग रहा है, केरा देशा? ये सब भाइयों का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, और मुख्यमंत्री जी गदगद हैं, प्रोग्राम पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बहुत खुश हैं, और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होंगे। हम कहते हैं 75 पार, लेकिन जनता कहती है 90, पूरी 90 की 90 देने के मूड में जनता है, इसलिए सीएम साहब बहुत खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं लगातार। अच्छा, जमा सुपड़ा साहब करोगे सारे? वो मालिक की मर्जी है, सीएम साहब की पॉपुलरिटी गेन कर रही है। अच्छा, जनता में एक चर्चा और है भाई, मुख्यमंत्री ने तो उकलाना में लिखा नहीं, 5-4 प्रोग्राम है, बोले यू है ना सुराज चौक पर खास प्रोग्राम होगा, और उसका एक कारण होता है जड़ा इस पर पहुंचा होगा फिर भंडारा ही पहुंचेगा। हाँ, स्वागत के में लोगों के खाने पीने का विशेष प्रबंध रहेगा, और सीएम साहब का स्वागत, जो कर्जा माफ किया है, इतना बड़ा फैसला लिया है, उसके लिए सभी किसान भाई सामूहिक रूप से उनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। अच्छा, लोग भी इतने बोले कुन रहे, उन्हें पूछे पूरी पूरी खाओगे कि मैं और भी खाना पाऊंगा, कहते पूरी मका ले, खाने का सारी चीज मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मीठा पाओगे? मीठा, हाँ, लड्डू बूंदी जो भी है, जो उनका इच्छा होगी वो सब मिलेगा। अच्छा, और निमंत्रण किस तरह दिया गया है? निमंत्रण दिया गया है सूर्यवाड़ा चौक पर पहुंचने के लिए, सीएम साहब का कर्जा माफ करने के लिए, हार्दिक धन्यवाद करने के लिए निमंत्रण दिया गया। पूरी भीड़ कितनी जुट जाएगी? भीड़ तो हजारों में होगी, कोई गिनती थोड़ी है, आज के दिन सीएम साहब का सिक्का चला हुआ है बहुत, और मोदी साहब का, तो गिनती के नहीं, सभी पूरा हरियाणा और पूरा देश इन्हीं के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में कार्य कर रहा है। जो अपना हरियाणा वेरा सिंह कारपोरेशन के चेयरमैन है श्रीनिवास गोयल, उन्हें एक दावा कराया कल, अपने तो बातचीत करी थी, न्यू तो 9 प्रोग्राम है उकलाना हल्का में, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ है ना सुराज चौक पर होगी, के राज इसका? ये गोयल साहब की मानता है, और वो पूरी जनता से बहुत प्यार करते हैं, और सरकार में उनका अपना रुतबा है, तो उन्होंने भी जोर लगा रखा है और हमने भी जोर लगा रखा है, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के जोर के अनुसार, ताकत के अनुसार, सूर्यवाड़ा चौक पर सीएम साहब का बहुत बढ़िया अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। अच्छा, जो एंट्री है, एंट्री कटता होगी इसमें, पहला प्रोग्राम आपका है, दूसरा है, चौथा कौन सा प्रोग्राम है? पहला प्रोग्राम है। अच्छा, शुरू में बाजी मार, शुरू में जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो पहला नंबर पर रहने की वो आपकी कृपा है और सभी कार्यकर्ता साथियों की कृपा है। नहीं, लोग तो चाहूँ सीमा का रेलू वाली रेल की जिक्र चल रहा है जरूर आपका कला, रेलू की जिस तरह रेल चली थी वही शिविर की चलना है, परमात्मा की जरूर कृपा होगी, और भाव भगत भंडार भरो, जैसी सभी पब्लिक की कार्यकर्ताओं की इच्छा है भगवान जरूर पूरी करेगा, मेरी ऐसी आशा है। तैयारी भी चलने लग रही है, कल आओगे 2 बजे? तैयारी तो पहले होती है जी, कोई भी प्रोग्राम हो, ब्याह शादी हो, प्रोग्राम हो, उसकी 1 महीना पहले 15 दिन पहले तैयारी होती है, तो 1 महीने से लगातार हम निमंत्रण दे रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, मोटरसाइकिल यात्रा निकाली है, और जन भावनाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीएम साहब के स्वागत के लिए लोग समुचित व्यवस्था में स्वागत कर सके। कि मैं घोषणा की भी उम्मीद है, कि मैं घोषणा उसका है, वो सीएम साहब मालिक हैं स्टेट के, जो अच्छी घोषणा करेंगे, वो गरीब का, किसान मजदूर का, सबका ध्यान रखते हैं, जहाँ उनके समझ में आएगी अच्छी कोई बात आएगी तो घोषणा कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। फिर कल्ले कुकर जुटे खड़े हो, टिकट के दावेदार तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन तैयारी में हम भी जुटे खड़े, जमा दफारा हो रहा है, पसीना पसीना में हो रहे हो? कल्ले नहीं है हम, हमारे साथ सभी साथी हैं, सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, पूरी पार्टी हमारे साथ है, अकेले वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलके ये अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, समर्थक पूरा जुटे खड़े हो? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी समर्थक, सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथी सब साथ हैं हमारे।
आपने देखा भाई ये ईश्वर सिंह मार है जो प्रबल दावेदार मानने के रंकड़े अंकड़े पहला प्रोग्राम ने ले लिया, इन्होंने लगा पहला नंबर पर आवेंगे, पूरी तैयारी जुटे खड़े दोपहर में भी नहीं अपने वर्कर साथी अंगला मुख्यमंत्री की स्वागत खातर तैयारियां में जुटे खड़े हैं। और इनका को नहीं बल्कि भाजपा जो बड़े लीडर हैं श्रीनिवास गोयल हैं भी, उन्होंने भी बड़ा दावा करा है सुरवाड़ा चौक पर सबसे ज़्यादा भीड़ होगी और एक अलग तरीके से मुख्यमंत्री का धन्यवाद कराया जाएगा। पासाराम दा तरवाल सुरवाड़ा चौक।